कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, दस्ताने, फेस शील्ड और पीपीई किट के उपयोग के साथ ही सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन भी किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव बेहद असाधारण परिस्थितियों में हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के व्यापक इंतजाम किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1,000 मतदाता होंगे। इसके लिए 1,00,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर 1 घंटा अधिक यानी शाम 6 बजे तक चलेगा। COVID-19 रोगी आखिरी घंटे में मतदान कर सकते हैं। इन द इलेक्शन इन बिहार पोस्टल बैलेट फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड एज एन ऑप्शन टू सीनियर सिटीजंस aged 80 and above. We were wanting to extend it to people from 65 and above. Political parties had their own views, but ultimately what clinched the argument of not going for that this time is that because of the increase in the number of polling stations, already our manpower requirements had increased so significantly that we realized we may not be able to manage the 65 part. मतदान केंद्र में साफ सफाई के लिए साबुन और पानी की पर्याप्त मात्रा रखी जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और ईवीएम का बटन दबाने के मद्देनजर एक इस्तेमाल होने वाले हाथ के दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। हर मतदान केंद्र के प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। मतदान के लिए 7,00,000 हैंड सैनिटाइजर, 40,00,000 मास्क, 6,00,000 पीपीई किट, 6.7 लाख फेस शील्ड और 23,00,000 जोड़ी दस्तानों की व्यवस्था की गई है। More than 7,00,000 units of hand sanitizers, about 46,00,000 masks, about 6,00,000 PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23,00,000 hand gloves have been arranged. For the voters, that is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना कंटेनमेंट जोन में रहने वाले मतदाताओं के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जहां भी जरूरत होगी डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।